नमस्कार। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य एकांकी है। इसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। एकांकी में राम स्वरूप लड़की का पिता है। लड़की का नाम उमा है। वह बीए पास है। प्रेमा लड़की की माता है। रतन घर का नौकर है। आज की एकांकी के अंक में उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप एवं उसके परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घर में एक तख्त और उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के काम में व्यस्त है। तख्त पर हारमोनियम सितार आदि सजाए गए हैं। उमा की संगीत की परीक्षा वहीं होगी। प्रेमा ने नाश्ते की सब वस्तुएं सजा दी हैं। नौकर को मक्खन लेने भी भेज दिया है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि वह उमा को कहे कि वह सज संवर कर आए, किंतु उमा मुंह फुलाए बैठी है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसका इस प्रकार से दिखावा किया जाए। वह कोई दिखावट की वस्तु नहीं है और उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह सज संवर कर देखने आने वालों के सामने जाना नहीं चाहती है। माँ बेटी के इस व्यवहार से परेशान है। उमा बीए पास है, किंतु वर पक्ष को उसकी शिक्षा मैट्रिक तक बताई गई है, यानी कि वह ज़्यादा पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसे कम पढ़ा लिखा करके बताया गया है। रामस्वरूप ने पत्नी को समझा दिया कि जब लड़के वाले आएं तो वह उमा को सजा संवार कर भेजे, किंतु उमा को पाउडर आदि मेकअप की वस्तुओं का कोई शौक नहीं है, यानी वह मेकअप करना नहीं चाहती है। तभी शंकर और उसके पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वह बहुत ही अनुभवी और लालची है। शंकर कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी तथा कमर कुछ झुकी हुई है। बाबू रामस्वरूप उन दोनों को अत्यंत आदर भाव से स्वागत करते हुए बैठाते हैं। बातचीत करते हुए रामस्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में पूछताछ की। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया था। क्या बताऊँ, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सुना है वह तो गलत है ना? साफ बात है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है। नाश्ता समाप्त हो चुका है, तभी उमा हाथों में तस्तरी लिए वहाँ आती है। उसने सादगी के कपड़े पहने हुए हैं। उसकी गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गुड़ाकर और शंकर आंखें झुकाकर देखता है। उमा पान की तस्तरी अपने पिताजी को दे देती है। उमा जब चेहरा ऊपर उठाती है तो उसके नाक पर रखा हुआ चश्मा दिख जाता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, चश्मा? बाबू रामस्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। वह उससे गाने बजाने के विषय में पूछते हैं। रामस्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा उन्हें मीरा का भजन सुनाती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गीत में तल्लीन होने पर उसका मस्तिष्क ऊपर उठा। उसने शायद शंकर को पहचान लिया। वह गाते गाते एकदम रुक गई। उमा उठने को हुई तो उसे रोक लिया गया। फिर गोपाल प्रसाद उसे पेंटिंग और सिलाई के विषय में पूछने लगे। तसल्ली होने पर इनाम आदि की जानकारी भी चाही, इस पर वह चुप रही। जब उमा से संबंधित अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने दिए
तो गोपाल प्रसाद ने कहा कि जरा लड़की को भी मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप ने उमा को जवाब देने के लिए कहा। उमा ने कहा, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। रामस्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बप्पू ने कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, और आप जरा अपने आप इन साहेबजादों से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा कहती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं BA पास हूँ, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की भांति ताक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद और शंकर अधिक अपमान सहन नहीं कर सके और वे चलने लगे। तभी उमा कहती है, जी हाँ जाइए जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह निराश होकर बाहर निकल जाता है, शंकर का चेहरा रुआंसा हो जाता है, रामस्वरूप भी कुर्सी पर धम से बैठ जाता है, उमा सिसकियां भरने लगती है। तभी रतन मक्खन लेकर आता है। इस प्रकार एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है।